देखने दिल्ली एम्स पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। तेजस्वी बोले, दवाओं के ओवरडोज से बिगड़ी हालत। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करा दिया गया है। पटना में पत्नी राबड़ी देवी के सरकारी आवास में गिरने के कारण कंधे में फ्रैक्चर और चोट के बाद तबियत बिगड़ने पर उन्हें पटना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बीती रात वहां से एयर एम्बुलेंस द्वारा दिल्ली ले जाकर उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। हर कोई नेता ने, चाहे पक्ष के लोग हो, सत्ता दल के हो या विपक्ष के हो, सभी लोगों ने फोन करके हमसे हालचाल जाना। कल प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था, और जब से एडमिशन हुआ है अस्पताल में तब से मुख्यमंत्री जी लगातार फॉलोअप भी लोग सभी मंत्री से लेकर के राहुल गांधी जी हो या प्रियंका गांधी जी हो, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन लोगों ने भी चिंता जताई है और वो सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लालू जी स्वस्थ हो। इस बीच तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि दवाओं के ओवरडोज के कारण लालू की हालत बिगड़ी, उनका पूरा शरीर लॉक हो चुका है। गुरुवार को दिल्ली एम्स में भर्ती लालू को देखने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे। उन्होंने डॉक्टरों से मिलकर लालू के स्वास्थ्य का हाल भी जाना। इसके पहले दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनसे मुलाकात की। पटना में इलाज के दौरान उन्हें देखने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तेजस्वी यादव को फोन कर उनका हाल जाना था। दिल्ली एम्स में उनकी तबीयत में सुधार तो है, लेकिन हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।